देश में गौ हत्या और सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा इस कदर ऊपर उठ चुका है कि बुनियादी मुद्दों का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान पर चर्चा के उलट हर ओर हिंसा पर ही बहस है। इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन मुद्दों पर राजनीति करने से देश का विकास होगा? क्या वाकई गौ हत्या और सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा उठाने से गरीबी, बेरोजगारी मिट रही है? इन्हीं सवालों को लेकर नोबेल विजेता ने भी सरकार को घेरा है। भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने देश में बीफ के नाम पर हो रही राजनीति पर कहा कि भारत में कौन किस तरह का मांस खाता है, इसे लेकर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा देश के लिए नुकसानदायक है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुद को बहुत देशभक्त समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा करने से देश को नुकसान पहुँच रहा है। रामाकृष्णन ने सलाह देते हुए कहा कि देश में सांप्रदायिकता फैलाने की बजाय हमें अच्छी शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी पर ध्यान देना चाहिए। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बोलते हुए रामाकृष्णन ने कहा कि अगर भारत इन्हीं विवादों में उलझा रहा और तकनीक पर ध्यान नहीं दिया तो विकास के दौर में काफी पीछे छूट जाएगा। रामाकृष्णन ने कहा कि भारत चीन से पहले ही काफी पिछड़ गया है। नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ी समस्या मामूली बातों पर सांप्रदायिक झगड़ा फैलाना है, लेकिन भारतीयों को इस समस्या से उभर कर देश को ज्यादा सहिष्णु बनाने के लिए आधुनिकता पर ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि रामाकृष्णन को साल 2009 में दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रामाकृष्णन ब्रिटेन की मशहूर रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।